हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों, बिहार प्राथमिक भर्ती में टोटल कितने जिले का अभ्यर्थी मेधा सूची जारी किया गया है, मैं आपको वो बताने आया हूँ। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप पर्सनली डाउनलोड कर सकते हैं अपना सभी जिले का अभ्यर्थी मेरिट सूची, जिसे बोला जाता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। इसी रिलेटेड सारी बात को डिटेल से बताने आया हूँ, तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कल दोस्तों सीतामढ़ी का भी ऑफिशियल जो है मेरिट लिस्ट प्रोविजनल वो जारी कर दिया गया। तो आपको सीतामढ़ी के वेबसाइट में आना होगा दोस्तों, और दोस्तों नीचे आना है। इससे पहले तो मैं बता देता हूं कि अभी तक लगभग कौन कौन सा जिले का जारी कर दिया गया अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट। दोस्तों, लगभग बिहार के सभी जिले का जारी कर दिया गया है। अब कुछ ही जिला है जिसका बाकी होगा दोस्तों, जैसे दोस्तों बता देता हूँ, पटना, सीतामढ़ी, मुंगेर, सिवान, पूर्णिया, भोजपुर और भी दोस्तों जितना भी जिला, वो सभी जिला का लगभग मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और कुछ दो तीन जिला है दोस्तों, या मुश्किल से 5-6 जिला है दोस्तों, जो अभी तक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया है। तो जैसे ही वो आगे जारी करेगा, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर बता दूंगा कि इस जिले का भी मेरिट लिस्ट ला दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के PDF फाइल को। तो सबसे पहले दोस्तों, उसका ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाइएगा दोस्तों, हो सके तो सभी। तो दोस्तों, जिस जिले का अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना, उस जिले में आपका वेबसाइट, उस जिले के वेबसाइट में आपको आना होगा दोस्तों। हो सके तो सभी जिले का वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डेट आप उस लिंक को क्लिक कर उस वेबसाइट में आकर डाउनलोड कर सकते हैं अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। दोस्तों नीचे आते हैं दोस्तों, देखते हैं ये रहा सीतामढ़ी। दोस्तों दो तरह से दोस्तों, या दोस्तों सिंपल सा, सबसे पहले तो आपको नीचे आना होगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर सीतामढ़ी का डायरेक्ट आपको फर्स्ट पेज में ही, फ्रंट में ही दे दिया गया दोस्तों। आप देख सकते हैं फॉर्म मेरिट लिस्ट ऑफ टीचर प्लानिंग सिक्स फेज का जो आपका जिला परिषद, और जिला परिषद हो गया आपका नगर पंचायत के अनुसार दोस्तों, जो 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 जारी किया गया है आपका मेरिट लिस्ट, वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। या दोस्तों नेक्स्ट आते हैं सिवान जिला के, देख लेते हैं सिवान जिला के। दोस्तों नीचे आइएगा, देखिए दोस्तों फर्स्ट पेज में यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। दोस्तों घबराए नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ फिर इसके बाद शो कहाँ करेगा। या तो दोस्तों फर्स्ट पेज में, या तो दोस्तों आपको ये बॉक्स को क्लिक कर लोगा दोस्तों, देन आइएगा आप यहाँ साइड में, जहाँ देखिएगा आप ये यहाँ नोटिस, इस नोटिस को क्लिक करना होगा। चलिए इसमें क्लिक कर लेता हूँ। क्या रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आ चुकी है, इस रिक्रूटमेंट को आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा जितना भी डिटेल्स है वहाँ जारी कर दी जाएगी। जो आप देख सकते हैं प्रोविजनली मेरी लिस्ट दोस्तों, ये रहा यहाँ पर आपका जारी कर दिया गया दोस्तों। इस तरह से आप अपने दो तरीके से दे सकते हैं, या तो दोस्तों आपका फर्स्ट पेज में दिखा देगा, या तो सिंपल सा आपको नोटिस बोर्ड के रिक्रूटमेंट सेक्टर में जाना होगा और देन आपको उसको डाउनलोड करना होगा। उसी का दोस्तों है यहाँ पर आपका PDF फाइल है, इस PDF फाइल को आप वन बाई वन डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, अगर पर्सनली अपना डाउनलोड कर सकते हैं प्रोविजनली मेरिट लिस्ट। चलिए दोस्तों, आप बता देता हूँ कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है दोस्तों। इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, आपको मैं आपको अपडेट बता दूंगा, वो सभी जिले का एक अलग से आएगी। जो होगा फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके अनुसार आपका नियोजन, आप उसके अनुसार आपको नियोजन मिलेगा। दोस्तों ये थी वीडियो, जहाँ पे दोस्तों आई थिंक सारी बातों में क्लियर कर चुका हूँ कि किस तरह से अपना अपना मैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखिएगा, अभ्यर्थी मेधा सूची जारी जो किया गया है वो कैसे कैसे देख पाइएगा। इसके अंदर दोस्तों आपको बहुत डिटेल से बताया रहेगा, टोटल डिटेल से कितना कितना मेधा सूची आपको जारी किया गया है, आपका नगर पंचायत के अनुसार, प्रखंड के अनुसार, पूरा डिटेल से आप देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो यही समाप्त होती है। अगर कोई वीडियो से किसी बात की इन्फॉर्मेशन मिली है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों का व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ फिर अगर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने होगा या इसी तरह का अपडेट देना होगा। तो के लिए अपना ख्याल रखना।